वालेकुम। यह आपको नज़र आ रहा है FA1 आमोजिशी मुहासिल पर मुबनी पर्चा 1-2, यानी कि 2 आमोजिशी मुहासिल पर क्या है, ये FA1 का सवालिया पर्चा है। तो यहाँ पर आपको चंद सवाला ज़ुबानी और चंद तहरीरी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पहले हम CC के तहत जो FA1 के सवालिया पर्चे निकाला करते थे तो उसमें हम ज़ुबानी सवालात नहीं लिखा करते थे, सिर्फ इम्तिहान में वो ज़बानी सवालात लिया करते थे। लेकिन यहाँ पर इस साल क्योंकि ये इख्तिसाबी बाज़याबी का साल कहा गया है तो यहाँ पर आमोजिशी मुहासिल में भी चंद एक सरगर्मियाँ ज़ुबानी हैं और चंद तहरीरी हैं। तो हमें इसी पर मुबनी क्या है, अगर सवाल या पर्चा तैयार करके बच्चों से टेस्ट लेकर रख लेंगे तो कोई भी अफसरान अगर हमें आकर पूछेंगे कि FA1 आप लोगों ने किस तरह से लिया है तो हम बताने के लिए ये रिकॉर्ड रख सकते हैं और बआसानी उन्हें समझा भी सकते हैं। तो इसी मकसद के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20 मार्क्स का सवालिया पर्चा जमात चहरुम का तैयार किया है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर 10 मार्क्स ज़ुबानी है और 10 क्या है, तहरीरी तौर पर लिए हैं। तो अब इसी की चेकलिस्ट क्या है, जहाँ तक मुझे आसान लगा, जैसा कि हम पहले CCE के तहत चेकलिस्ट तैयार किया करते थे तो उसी तरह की एक लिस्ट मैंने तैयार की है। लेकिन इसमें यहाँ पर 2 कॉलम्स ज़्यादा हैं, जैसे कि पहले इसमें आमोजिशी मुहासिल की तैदाद पहले कॉलम में आपको नज़र आ रहा है ये, और सरगर्मियों की तैदाद। तो ये 2 कॉलम्स क्या है, इस साल ये कलिका चेतरिक का ये रहने की वजह से ये कॉलम्स को हमें ऐड करना होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो जून और जुलाई को मिलाकर क्या है, चौथी जमात में 2 आमोजिशी मुहासिल हैं तो उसमें कुल क्या है, 19 सरगर्मियाँ होंगी। तो उसके तहत हमें हर एक बच्चा 19 में से कितनी सरगर्मियाँ हासिल किया है वो क्या है, यहाँ पर लिखना है, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है 19 में से 14। तो ये क्या है, आम सरगर्मियों की तैदाद है और कुल निशानात 20 हैं, जैसे कि आप पहले क्वेश्चन पेपर मैंने जो दिखाया है उसके क्या है, ये कुल निशानात है। तो कुल निशाना